गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी की क्लास में हिंदी व्याकरण का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है वर्ण विन्यास, ये करने जा रहे हैं। आई होप कि आप इसे ध्यान से समझेंगे और घर पर रहकर ही क्या करेंगे, अच्छे से तैयारी करेंगे, इसकी अच्छे से रिवीजन करेंगे, इसको खुद करने की कोशिश करेंगे। वर्ण विन्यास, वर्ण होता है कोई भी अक्षर, वर्ण या अक्षर दोनों ही एक चीज़ होते हैं। अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स, अरेंजमेंट ऑफ लेटर। नीचे दिए गए चित्रों को देखिए और इनके नाम से बोलिए। घोड़ा, ये घोड़ा है, ये सेब है, ये माला है, ये रेलगाड़ी है। तो इसमें लिखा हुआ है कि जब हमारे मुंह से क्या है, हम कुछ बोलते हैं तो कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं। जैसे घोड़ा, घोड़ा को बोलते हुए हमें घ ओ ड आ, ये ध्वनियाँ निकली हैं। ऐसे ही सेब, सै सेब, सै ए ब सेब, ये सारी की सारी जो ध्वनियाँ होती हैं इन्हें ही क्या कहते हैं, वर्ण या अक्षर कहते हैं। बोलते समय जब ध्वनियाँ निकलती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, वर्ण या अक्षर कहते हैं। इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं, ये ध्वनियाँ ही हिंदी भाषा में वर्ण या अक्षर कहलाती हैं। अगर आपको कोई कह दे कि वर्ण किसे कहते हैं, आप ये मत भूल जाना कि आप कहीं कुछ और ही इसकी डेफिनेशन बता दो, तो आप बताओगे भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं। और वही व्यक्ति आपको अगर पूछे फिर अक्षर किसे कहते हैं, फिर आप कंफ्यूज हो जाओ, नहीं तो आप कहोगे जैसे वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, ऐसे ही अक्षर भी भाषा की छोटी इकाई है सबसे, और वर्ण और अक्षर एक ही होते हैं। इसके बाद आता है वर्ण। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इसके और खंड नहीं किए जा सकते। वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है, जो चीज़ मैंने आप लोगों को बोली है। जैसे सै बै सब, ये हुआ शब्द, कोई भी शब्द है ये, हम इसको तोड़ सकते हैं, यानी कि सै प्लस बै क्या बन गया, सब। लेकिन अगर आपको सै लिख के दे दिया जाए तो आप इसे नहीं तोड़ सकते। ऐसे ही अगर आपको बै लिख के दे दिया जाए तो आप इसके और टुकड़े नहीं कर सकते। समझ आया, वर्ण क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इसके और खंड नहीं, यानी टुकड़े, खंड का मतलब होता है टुकड़े नहीं किए जा सकते, वर्ण को ही अक्षर कहा जाता है। इसके बाद आता है वर्णमाला। वर्णमाला क्या होती है, अल्फ़ाबेट। जब सभी वर्ण एक निश्चित क्रम से लिखे जाएं उसे वर्णमाला कहते हैं। जब सभी अक्षर एक निश्चित क्रम में लिखे जाएं उसे वर्णमाला कहते हैं। जैसे पहले स्वर लिखे जाएंगे फिर व्यंजन लिखे जाएंगे, और स्वर में भी ये नहीं कि आप कहीं पे ई डाल दो, कहीं पे ए डाल दो, नहीं, एक सिस्टमेटिक ढंग से ए आ ई ई, इस तरह से, ऐसे ही कै खै गै, फिर चै छै चै, टै ठै डै, इस तरह से, तो वो हमारी वर्णमाला कहलाएगी। और वर्णमाला के अंदर स्वर और व्यंजन दोनों ही शामिल होते हैं। वर्ण के प्रकार, वर्ण के कितने प्रकार हैं, हिंदी भाषा में वर्ण के दो प्रकार हैं, एक स्वर और एक व्यंजन। स्वर होते हैं हमारे वोवल, जिनकी सहायता से हमारे व्यंजन बोले जाते हैं। स्वर में हमारे ए आ ई, इस तरह से ये हैं, आगे इनके बारे में बताया गया है, ये रहे हमारे सारे स्वर, ए आ ई ई ऊ री ए आई ओ औ, ये हमारे स्वर हैं। स्वर ये स्वतंत्र ध्वनियाँ हैं, यानी कि इन्हें बोलने के लिए हमें किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। इनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। हिंदी में कितने स्वर हैं, 11, कितने स्वर हैं, 11। वैसे तो अंग और ए भी क्या है, सब स्वरों के साथ ही लिखे जाते हैं, लेकिन इन्हें हम स्वरों में काउंट नहीं करते, स्वरों के बाद और व्यंजनों से पहले आते हैं। अंग और अह भी वर्ण में ही आते हैं, इनकी गिनती अब स्वरों के साथ ही की जाती है, परंतु इनका स्थान स्वर के बाद और व्यंजन से पहले होता है।
इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स।